राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की इन अलग अलग तस्वीरों में एक चीज कॉमन है और वो है राहुल गांधी का साथी पदयात्री का हाथ थामे यात्रा में आगे बढ़ना। फिर चाहे वो पदयात्री महिला पदयात्री हो या पुरुष पदयात्री, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सबका हाथ थामे आगे बढ़े चले जा रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी का महिला यात्री का हाथ थामे यात्रा में आगे चलने पर लेखिका श्वेता शालिनी ने सवाल उठाए हैं। श्वेता शालिनी ने राहुल गांधी की रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी के साथ हाथ पकड़े तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, भारत जोड़ने के लिए महिलाओं का हाथ क्यों पकड़ना चाहिए। श्वेता शालिनी के ट्वीट पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने जवाब देते हुए लिखा, विडंबना ये है कि आप एक महिला हैं, और हैरानी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एक संघी हैं और वैसे भी मानसिकता परिवेश की देन होती है। काश आपको भी भाइयों से ऐसा प्यार मिला होता जिनका हाथ पकड़कर आपको कभी सुरक्षित महसूस हुआ होता। ईश्वर आपको सद्बुद्धि और संस्कार दे। यह कोई पहली बार नहीं जब राहुल गांधी किसी महिला पदयात्री का हाथ थामे यात्रा में शामिल हुए हों और लोगों ने सवाल न उठाए हों। इससे पहले जब साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस पूनम कौर राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुई थी, तब बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी और पूनम कौर की तस्वीर को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि तब पूनम कौर ने मीडिया के सामने आकर ये बात कही थी कि पदयात्रा के दौरान उनका पैर लगभग फिसलने ही वाला था, तभी राहुल गांधी ने हाथ पकड़कर उनको सहारा दिया था और उसी दौरान की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ महिला पदयात्री का ही हाथ थामे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो इस यात्रा में पुरुष पदयात्री का भी हाथ थामे आगे बढ़ रहे हैं। फिर चाहे वो फिल्म मेकर अमोल पालेकर हो या बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह हो, राहुल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले पदयात्री का हाथ थामकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। राहुल की यात्रा में जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी, तब भी राहुल ने इस यात्रा के दौरान अपनी मां का हाथ थामा था, उनके जूतों के फीते बांधे थे। इस यात्रा में शामिल होने वाली बुजुर्ग महिलाओं का भी राहुल गांधी हाथ थाम कर कदम से कदम मिलाकर बढ़ते चले नजर आ रहे हैं।